दो दिवसीय जनपद स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन समारोह का आयोजन रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के प्रांगण में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक महेंद्र पाल सिंह, बीएसए रमेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर गणेश वंदना प्रस्तुत किया गया। प्रतियोगिता में 132 अंक हासिल कर विकास खंड पिपरौली ओवरऑल चैंपियन घोषित हुई। दूसरे स्थान पर 109 अंक हासिल कर विकास खंड खजनी तथा तीसरे स्थान पर 97 अंक हासिल कर नगर क्षेत्र विजय घोषित हुई। इसके अलावा पिपरौली ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय बरहुआ के बच्चों ने पीटी, अंताक्षरी, योगा जैसे खेलों में प्रथम स्थान ग्रहण किया। इस दौरान मुख्य अतिथि द्वारा प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया, जिसके संबंध में विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा कि बच्चों के अंदर जो खेल की भावना है उसको प्रेरित करने के लिए इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन करना बेहतरीन कार्य है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ जीवन में खेल भी बहुत जरूरी है और खेल के माध्यम से छात्र आगे बढ़ सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए कंपोजिट विद्यालय बरहुआ की हेड मास्टर मधुषा सिंह और पिपराइज के विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, लाइन खिंचवा दी। प्रकाश की ओर, पृथ्वी से आकाश की लाया है मैंने, उसका प्रकाश तुम तक जाए, ज्ञान लाए तुमको जीवन के नवन राग में, नवन रंग में। पिपराइज के लोकप्रिय विधायक महोदय हमारे बीच हैं, समय से हैं। रूप में उपस्थित लोकप्रिय और सहृदय माननीय विधायक जी, मंच पे उपस्थित हमारे
शिक्षक संगठन के विभिन्न पदाधिकारी और इस खेल को सफल बनाने में हम लोगों के सहयोगी नगर शिक्षा अधिकारी यहाँ पे उपस्थित, जो इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे और रोचक बनाया है, वो सभी हमारे सम्मानित अध्यापक, अनुदेशक और प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना काल के बाद बहुत सी प्रक्रियाएं रुक गई थीं, लेकिन कोरोना काल की समाप्ति के बाद ये प्रेरणा मिली और हम लोग ब्लॉक स्तरीय क्रीड़ा आयोजन का सफल आयोजन करने के बाद जनपद स्तर पे जो बच्चे ब्लॉक स्तर पे चयनित हुए थे, तो ब्लॉक स्तरीय क्रीड़ा आयोजन के बाद हम लोग जनपद स्तर पे एक सफल इस कार्यक्रम का आयोजन कर पाए हैं। और इस कार्यक्रम के आयोजन में मैं जो सबसे अच्छा सहयोग मानता हूँ हमारे संगठन के पदाधिकारियों का और हमारे सम्मानित शिक्षकों का और हमारे अनुदेशकों का, जब हम लोग एक टीम भावना के साथ कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हमें कार्य करने की एक प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो मैं सभी जितने भी हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों का एक सफल कार्यक्रम रहा। मैं वो समस्त सम्मानित अध्यापकों का भी आभार प्रकट करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने पूरी मनोयोग से इस क्रीड़ा को आप लोगों ने सफल बनाया है। और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिला व्यायाम शिक्षिका रीना सिंह और जो उनके श्रवण यादव जी थे और नोडल हमारे नगर शिक्षा अधिकारी थे, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। खेल, आप सभी लोग जानते हैं कि खेल भावना से केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता है, बल्कि जब बच्चे, आप लोग देख रहे होंगे कि ये बच्चे कभी आपस में एक दूसरे को देख नहीं पाते, लेकिन जनपद स्तरीय क्रीड़ा का आयोजन का इतना महत्व है कि 20 ब्लॉक से हमारे जो विद्यार्थी आए हैं, एक दूसरे से अपना मिले होंगे, एक दूसरे के कल्चर को सीखे होंगे, एक दूसरे की भावना को सीखे होंगे। और अध्यापक भी, एक मेला होता है, आपस में मिलने का एक अवसर होता है, एक दूसरे का सीखने का अवसर होता है। और यही हमारी संस्कृति है कि हम लोग एक सहयोग के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही उस देश का विकास होता है, राष्ट्र का विकास होता है। मैं यही अपेक्षा करूंगा अपने सम्मानित अध्यापकों से और अपने प्रिय विद्यार्थियों से कि इसमें हार जीत का कोई मतलब नहीं होता है, हम सभी लोग अच्छा खेलते हैं और हार जीत का इसमें कोई मतलब नहीं होता। हम जीतते भी हैं तो प्रेरणा मिलती है, हारते भी हैं तो प्रेरणा मिलती है और अधिक मेहनत करने की, तो इसमें निराश होने की नहीं ज़रूरत है। और मेरी यही शुभकामना है कि आप लोग जनपद स्तर से चयनित होकर आप मंडल स्तर पर जाएं तो अपने जनपद का, गोरखपुर का नाम रोशन करें वहाँ पर। और मैं सम्मानित अध्यापकों से भी यही अपेक्षा और विश्वास करता हूँ कि आप लोग इनको मंडल स्तर पर ले जाएं पूरी तैयारी के साथ और वहाँ पे पूरी सद्भावना के साथ जो खेल होता है इन लोगों को प्रेरित करें और जनपद गोरखपुर का नाम आप लोग रोशन करें। मैं इसी भावना के साथ सभी का सम्मान करते हुए सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। ये स्मृति चिन्ह हमें और आपको उचित करना, हमें गौरवान्वित करना है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ाना है। पुरस्कार प्राप्त करते हैं पीछे द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली भरोहिया टीम। उत्साहित आलादित क्या रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वहीं रुके बढ़ाईगंज, वहीं पे रुके कबड्डी बढ़ा ली। अभी द्वितीय स्थान और प्रथम स्थान की टीमें द्वितीय स्थान पर रहे, थोड़ा आप लोग संगीत करने के संचार करती है पिपरौली ढेरों बधाइयां। वितरण के उपरांत प्रेरणा के स्रोत श्री महेंद्रपाल सिंह जी हमारे सावधान होंगे, सावधान, राष्ट्रीय गान शुरू करें। जय जय मन आदि नायक जय हे भारत।
भाग्य विधाता सब शुभ आशीष मांगे गाने तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय कंपोजिट विद्यालय बरहुआ है पिपरौली ब्लॉक का। मैं मंजुषा सिंह हूँ, हेडमास्टर हूँ जी। इसमें सब मतलब जिले से लेकर सारे में बच्चों ने प्रतिभाग किया और काफी मेहनत उन्होंने किया था, जो कि जिले पे आज सब में प्रथम आए और ओवरऑल चैंपियन हुए। बच्चों किस तरह से तैयारी किया गया था? क्या जी, किस तरह से तैयारी किया गया था बच्चों? स्कूल में जो हमारे पास जो कम संसाधन है हमने उसी में तैयारी करवाया। हमारे निदेशक भी हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, उन्होंने भी करवाया और हम लोग मतलब जितनी भी जो लेवल का था बच्चों के मानक अनुसार लाए और यहाँ पर प्रतिभाग की और वो बच्चे फर्स्ट आए सब में। देखिए, जनपद स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का कार्यक्रम था। यहाँ पर पूरे ज़िले के 200 ब्लॉक के बच्चे जो चयनित होकर के आए थे, यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है, फिर यहाँ जो बच्चे आज जिनको यहाँ पर पुरस्कार वितरण किया गया है, फिर ये मंडल स्तर पर जाएंगे और फिर उसके ऊपर ये प्रदेश स्तर तक जाएंगे। तो ये कहीं न कहीं जो उनके अंदर खेल की जो भावना है उसके प्रति उन्हें प्रेरित करने के लिए यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। और मैं बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचलों में जो हमारे प्राथमिक जूनियर विद्यालयों में जो प्रतिभाएँ हैं उन्हें निखारने में जो है मील का पत्थर साबित होगा। खेल के माध्यम से बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? खेल के माध्यम से देखिए, शिक्षा के साथ साथ खेल अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है और खेल के माध्यम से भी बच्चा आगे अपने जीवन में बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि खेल को भी अपनाएँ और शिक्षा भी ग्रहण करें, क्योंकि शिक्षा भी जीवन में उतना ही महत्व है जितना उसको खेल का जितना महत्व है उतना शिक्षा का भी महत्व है।